कांग्रेस का नाम हो और उस नाम के साथ कंट्रोवर्सी का नाम ना जुड़े, ऐसा आजकल कम ही देखने को मिलता है। पहले पंजाब और अब फिर राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सबके सामने आती दिख रही है, वो भी चिंतन शिविर से बस एक दिन पहले। जी हां, वही चिंतन शिविर जहां पर राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े धुरंधर और दिग्गज शामिल होने वाले हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर विभाग। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट का फोटो हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर नगर निगम ने पायलट के फोटो, पोस्टर और बैनर को हटा दिया है। दरअसल पायलट के समर्थकों ने शिविर के बाहर उनके पोस्टर, बैनर और फोटो लगाए थे। उधर उदयपुर नगर निगम की तरफ से की गई इस कार्रवाई का सचिन पायलट के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। चिंतन शिविर के बाहर से सचिन पायलट के फोटो और पोस्टर बैनर हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया है। चिंतन शिविर स्थल के बाहर सैकड़ों की संख्या में पायलट समर्थक जुट गए और सड़कों पर उतरने की बात कही। बता दें कि कांग्रेस ने उदयपुर में 13 मई से लेकर 15 मई तक एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस ने उदयपुर में 13 से 15 मई यानी 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया है। इसमें शामिल होने के लिए नेताओं को आमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं। सभी को 12 मई तक आने के लिए कहा गया है। 3 दिन के शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने की उम्मीद तो है ही, लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस चिंतन शिविर में पहुंचेंगे। इस शिविर में कुल 400 से ज्यादा नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए सभी CWC सदस्य, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, CLP नेता, विधानसभा में नेताओं, कांग्रेस सांसदों और पार्टी के अलग अलग संगठनों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा है। चलिए आप जान लेते हैं कि इस शिविर का आयोजन क्यों किया गया है और इस शिविर में आखिर क्या होगा। इस शिविर में आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस का चिंतन शिविर ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पार्टी ने आगे की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। चिंतन शिविर में कांग्रेस के देश भर के बड़े नेता शामिल होंगे। यहां पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार होगा। अब उम्मीद है कि इस चिंतन शिविर से कांग्रेस को अपनी सारी चिंताओं का समाधान मिल ही जाए। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस को उनकी चिंताओं का समाधान मिलेगा या फिर से वही प्रशांत किशोर वाला हाल होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें खबर बेबाक के साथ।